الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما ادعو ربي ولا اشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا صدق الله مولانا العلي العظيم ये सूरह जिनका आखिरी रुकू है और इस पूरे रुकू के अंदर तौहीद का मज़मून बयान हुआ है अल्लाह तआला की वहदानियत, उसकी क़़रत कामिला सिफात हमीदा बहुत बेहतरीन उसलूब में बयान की गई हैं और साथ में जो लोग अल्लाह ताला की बातों पर यकीन नहीं करते और सल्लल्लाहु रसूल्ला सला वसल्लम की नाफ़रमानी पर उतारू हैं उनके लिए सख्त वीद भी सुनाई गई है कि वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाएंगे क़ुरान पाक का एक अहम उसलूब यह है कि जो पैगाम देना होता है वो नबी अकरम अलतम की ज़ुबानी और आपकी तरफ़ से दिया जाता है ताकि उसकी अहमियत और ज़्यादा हो और उस पर यकीन करना भी आसान हो जाए जो अहले ईमान है उनके लिए तो हो गई जो अभी ईमान नहीं लाए और क़ुरान को सुन रहे हैं उन पर भी यह अंदाज़ गुफ्तु ज़्यादा असर डालता है कि जब मामला ये है कि अल्लाह तबारको तामने सरवर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेबस हैं और अल्लाह ताला की न्याज़मंदी में हर वक्त लगे हुए हैं तो दूसरों की क्या हैसियत और क्या अवकात हो सकती है चुनाचे इसी से आगाज़ किया जा रहा है गुफ्तु का और बहुत ही प्यारा अंदाज़ है अहले मक्का मुखातब हैं मशरक़ मुखातब हैं दुश्मन दीन मुखातब हैं बल्कि क़यामत तक आने वाले सभी मुनक्रन मुखातब हैं कि तुम लोग मेरी मुखालफत में लगे हुए हो मुझे सता रहे हो मेरी बातों को झुटला रहे हो मुझे अजीय पहुँचा रहे हो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो ठट्ठा लगा रहे हो मैं क़ुरान पढ़ रहा हूँ तो तुम मजाक उड़ा रहे हो ये तो बताओ कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है तुम्हारे ख़िलाफ़ मैंने कौन सी जंग खड़ी की है तुम्हारा मैंने क्या नुकसान किया है ये बताओ कोई बता दे कि हमने क्या तुम्हारा नुकसान किया हमने जो किया है वो सिर्फ एक बात है और वो यह है कि मैं सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ मैं किसी और को मबूद नहीं मानता मेरा ये नज़रिया है मेरा ये मौक़ है मेरा इस पर ईमान है तो क्या एक इंसान होने की हैसियत से मैं इस बारे में आज़ाद नहीं हूँ कि मैं जो चाहूँ तस्वर और ख़याल और अक़ीदा क़ायम करूँ तो झगड़ने की क्या बात है तुम अगर नहीं मानते तो दुश्मनी पे क्यों उतरे हो मैंने यही तो ऐलान किया है कि एक अल्लाह की इबादत करो और भाई मैं तो किसी और की इबादत करने वाला हूँ नहीं मैं किसी को शरीक नहीं मानता अल्लाह के दरबार में कोई एक मच्छर के पर के बराबर भी कोई इख्तियार और इकतदार नहीं रखता है अल्लाह तबारक के मुकाबले में मेरा यह नज़रिया है और मैं ये भी कह सकता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि सारा नफ़ा नुकसान का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है मेरे हाथ में कुछ नहीं है मैं अगरचे उसका पैगंबर हूँ उसका चहिता हूँ उसका पसंदीदा हूँ मनतखब करता हूँ लेकिन इख्तियार मेरे पास भी नहीं है और मैं अगर उसकी इतात न करूँ उसके बताए हुए रास्ते से हट करके बिल बिलफर्द अगर मैं चलने लगूँ तो मुझे अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता है और उसके अलावा उससे बचकर मेरे लिए जाने की कोई जगह नहीं है मैं तो उसका पाबंद बन करके आया हूँ मुझे उसने कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी हैं मुझे रसूल बनाया है पैगाम बंदों तक पहुँचाने के लिए मुझे ड्यूटी दी गई है बस मैं उस दायरे में काम करता हूँ ये मेरी अपनी हैसियत है जबकि मैं पैगंबर हूँ जबकि मैं रसूल हूँ इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब रसूल ये कह रहा है और कुरान में उससे ऐलान कराया जा रहा है कि नफ़ा नुकसान का मैं मालिक नहीं हूँ नफ़े नुक़सान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह तबार को तला है तो जो रसूल के ग़ुला हैं जो रसूल के नाम लेवा हैं जो रसूल पर ईमान लाने वाले हैं उनके अंदर ये बात कैसे पैदा हो सकती है अल्लाह तबारक व तआला पर किसी का ज़ोर नहीं चलता अल्लाह किसी की बात मानने के पाबंद नहीं है अल्लाह तबारक व तआला किसी की बात मानने पर मजबूर नहीं है तो जो तुमने ये क़दर आ कदर बना रखे हैं कि इनको खुश कर दो तो अल्लाह खुश हो जाएगा और ये अल्लाह ताला से कह देंगे तो बात पलटी नहीं जाएगी ये सब तुम्हारी बनाई हुई बातें हैं जब रसूल को ख़ुद हक़ नहीं है तो इं कदर आ कदर को कहाँ से हक हो जाएगा ये मजबूत बात नबी अकरम अक्रम व सलाम से कहलवाई गई उसके बाद ये ऐलान किया गया कि सुन लो अच्छा कान खोल करके सुन लो बेलोच लपक सुन लो इसमें किसी को ज़र्रा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए कि जो अल्लाह का नाफ़रमान है जो रसूल का नाफ़रमान है वो ज़रूर में हमेशा के लिए डाला जाएगा और कोई चीज़ उसे बचा नहीं पाएगी और ज़रूर एक दिन वो आएगा कि जब अजाब अपनी आँखों के सामने उन्हें नज़र आने लगेगा तो आज जो बड़ी बड़ी डीगे हाँकते हैं कि हम बड़ी अंजुमन वाले हैं बड़े जत्थे वाले हैं बड़े कबीले वाले हैं बड़े माल और इसबाब वाले हैं और बड़े नाजो नाम में पलने वाले हैं और बड़े मेरे हमारे हिमायती हैं और मुआविन हैं और मददगार हैं और ख़ुदाम हैं ये सारी हेंकड़ी निकल जाएगी अब पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर था और कौन कमज़ोर था आज इन अहल ईमान को और सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कमज़ोर कह कर के ताने दिए जाते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग ये फका फ़कीर लोग ये हमारे मुकाबले में आ गए आज डींगे हाँ की जाती हैं अपनी अंजुमनों पर मजलिसों पर जो है गुरूर किया जाता है फरमाया जब आजाब सामने आएगा तो सारा नशा हरन हो जाएगा और ये कब आने वाला है कोई कहे कि अभी ले आओ फरमाया ये मेरे इख्तियार में है नहीं कि मैं अभी ले आऊँ यह आजाब मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ मैं तो बंदा हूँ दावा कुछ नहीं है बंदा कोई दावा नहीं करता ये इख्तियार ये अल्लाह के पास है वो बात करीब भी हो सकता है दूर भी हो सकता है क़यामत कब कायम होगी किस पर कब मौत तारी होगी कौन कब मरेगा ये मेरे इख्तियार में नहीं है ये उस के इख्तियार में है जो आलिमैब है ये सिफ़त अल्लाह तबारक व ताली की सिफत है आलिमुल गैब, गैब की अगली पिछली बातों का जानने वाला बगैर किसी के बताए जानने वाला बगैर किसी ज़रिए के जानने वाला बगैर किसी सबब के जानने वाला बगैर किसी अलामत के जानने वाला ये आलिमुल गैब सिफत ख़ास है अल्लाह तबारक व ताली के साथ और फरमाया कि वो अपनी ग़ैब की बातों को किसी पर ज़ाहिर नहीं करता सिवाए पैगंबरों के और पैगंबरों को भी सारी बातें नहीं बताई जाती बल्कि जितनी उनकी रिसालत के लिए ज़रूरी हैं नागज़िर हैं उतनी बातें बताई जाती हैं तो एक है गैब की मालूमत अल्लाह ताला की तरफ़ से किसी को मिल जाना और एक है कि बग़ैर किसी के बताए ग़ैब की बातें जान लेना दोनों में फ़र्क है रसूल को अल्लाह ताला की तरफ़ से महदूद अंदाज में ब़द्र ज़रूरत ब़द्र हमत बद्र मसलहत की बातें बताई जाती रहीं ख़ुद कुरान पाक में भी इशारात मौजूद हैं अदीस शरीफा में भी उनका तस्करा है बल्कि जन्नत जहन्नम की जो ये सब सिफात हैं कयामत का जो कयाम है सब ग़ैब की बातें ही तो हैं जो बतलाई गई लेकिन ये खुद ब खुद मालूम नहीं हो गई अल्लाह के बतलाने से पता चलें और कुल की कुल नहीं बतलाई गईं महदूद तादाद में बतलाई गई तो जिसे दूसरे की तरफ़ से महदूद अंदाज में कोई इल्म हासिल हो उसको आलिमुल गैब नहीं कहा जाएगा आलिमुल गैब वो ज़ात है जो सारे मगीबात को का इहाता करने वाली है और ये ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारों को तला की है और फिर ये भी कि जो गैब की बातें बताई गई हज़रत अम्बिया वसलाम को और ख़ासकर नबी अक्रम सम को तो साथ में ज़बरदस्त हिफाजत का इंतज़ाम भी किया गया आगे पीछे से हिफाजत की गई कि वो जो ख़बरें वही की आ रही हैं उनमें कोई तीसरा दखल अंदाज ना हो जाए शैतान असर अंदाज़ ना हो जाए कोई गलत बात उसके जरिए से न चली जाए बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया ऊपर से नीचे तक जैसा कि पिछली आयात में साकिब का तस्कर आया और फिर जिस पैगम्बर को वही लाने के लिए मुकर किया गया वो भी अर्रूहुल अमीन है और ताकतवर हैं अमानत उनकी खास सिफत है और इसी के साथ साथ एक बड़ी अहम बात ये भी कि जिस रसूल को मनतखब किया गया रिसालत के लिए उसकी ज़ाती ज़िंदगी हर तरह के और मासी से मुकम्मल महफूज कर दी गई इसीलिए हज़रत उलमा अहले सुन्नत जमात का येदा है किस्मत कि लवाजिम नबूत में से है हर नबी मासूम है हर तरह के गुनाह से क्योंकि इस्मत अगर ना हो तो रिसालत कामिल नहीं हो सकती रसालत के लिए इस्मत लाजिम है तो बहरहाल ये जो रुको है सूर जिन का ये बहुत ही अहम तरीन अकीदे की बातों पर मुश्तमिल है इसकी आयत को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो तौहीद का नूर दिल के अंदर पैदा होगा ईमान की चाशनी हलावत और लज्ज़त महसूस होगी बदआदगी के जाले और अंधेरे मिट जाएंगे और साफ शफाफ अक़ीदा दिल में जागुजी होगा इस सूरत में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यह हमें तालीमत दी गई हैं जो हर मुसलमान की लाजमी ज़रूरत हैं और हर वक्त पेश नज़र रहनी चाहिए तो फरमाया कुल को भी अहद है पैगम्बर आप साफ ऐलान कर दीजिए कि मैं तो बस अपने रब को पुकारता हूँ और मैं उसका किसी को शरीक नहीं करार देता कि भाई मैं तो मामला बिल्कुल साफ़ है दो दो चार की तरह साफ है कि मैं तो बस एक महबूद अल्लाह की इबादत करता हूँ शरीक किसी को नहीं ठहराता उसका नीलिक और आप ये भी ऐलान फरमा दीजिए कि मेरे अख्तियार में नहीं है तुम्हें नुकसान पहुँचाना या नफ़ा पहुँचाना मेरे हाथ में नहीं है नफ़ा नुकसान और दूसरा तर्जुमा यह है कि तुम्हें शर्म रखना या हिदायत देना मेरे इख्तियार में नहीं बहरहाल जो भी हो अच्छाई बुराई अल्लाह के इख्तियार में हमारे हाथ में नहीं قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ مجھے اللہ کے ہاتھ سے کوئی بچا نہیں سکتا और मैं नहीं पाऊंगा उसके अलावा कहीं सरक रहने की जगह कहीं छुप जाऊं जा कर के बच जाऊं मेरे पास कुछ नहीं किसी के पास भी नहीं है मेरे पास तो क्या होती वरी सलती मगर अल्लाह की तरफ़ से पहुंचाना है और उसके पैगाम लाना जो उसके पैगाम हैं वो मैं पहुंचा रहा हूँ ये मेरी ज़िम्मेदारी है बस इसी का मुझे हक़ है मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी की गर्दन पकड़ के कहूँ कि लो भई इस्लाम लाओ मेरा काम पहुंचाना है और किसी को मजबूर करना नहीं है हिदायत या गुमराही अल्लाह के हाथ में है ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا اب جب کوئی نہ مانے حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا تو اس کے لئے جہنم ہے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ يسون له هي بما يسون علينا تشايتهم مجبوريتك شن هي ما قال يسون له حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا यहाँ तक कि जब देखेंगे जो उनसे वादा हुआ है तो पता चल जाएगा कि किसके मददगार कमज़ोर हैं और गिनती में थोड़े हैं तो आज तो मजाक उड़ा लो अहले ईमान का ताने कस लो और अपनी डींगे हाँक लो कल जब पता चलेगा कि अहले ईमान का और इकराम हो रहा है हर तरफ़ से फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं उठाए उठाए चले जा रहे हैं मरहबा मरहबा की आवाज़ें हैं और कुफ़ार को जंजीरों में जकड़ा जा रहा है और तो डाले जा रहे हैं और घसीटा जा रहा है तो पता चलेगा कि किसके मददगार कैसे थे आज तो जो चाहे कह लो قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا توعدون أم يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا أفرما ما كي من نهي جانتا كي نزديك هاي جس كا يا ميرا رب उसमें एक मुद्दत के बाद कर दे उसको एक मुद्दत के बाद कर दे यानी क़यामत कब आए या मौत कब आए अल्लाह को पता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है वही भी अहद वो मेरा रब भेद की बातों का जानने वाला है वो अपनी भेद की बात की खबर किसी को नहीं देता सब उसी को पता है अकरब से अकररब जो फरिश्ता है उसे भी बस उतना ही पता है जितना अल्लाह की तरफ से बताया जाए अपनी तरफ़ से वो भी कुछ नहीं जान सकता الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ماجر جو بسانت رَسُولٍ رسولكو तो वो चलाता है उसके आगे और पीछे चौकीदार यानी वही की भी हिफ़ाजत है जो साहेब वही है उनकी भी हिफाज़त है शैतान आप पर असरअंदाज नहीं हो सकता बचपन ही में सीने मुबारक चाक करके साफ सुथरा कर दिया गया कि अब जिंदगी भर उस पर शैतान का असर नहीं चल सकता जागते में भी नहीं चल सकता और सोते में भी नहीं चल सकता ऐसी हिफाज़त का इंतज़ाम अल्लाह की तरफ़ से है तो ये आयत आयतः अम्बिया आलम के लिए बिल्कुल सरी है और ये भी सरी है कि इस्मत अल्लाह के पैगम्बरों के अलावा किसी और के लिए नहीं हो सकती कि फ़लाँ इमाम को मासूम मान लो फ़लाँ को यूँ कर लो استصاف الا من ارتضى من رسول صرف یہ اس کے لئے محدود کر دیا گیا جس کو رسول بنا کر پسند کر لیا گیا ان کے لئے لیا قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تاكي جان لے کہ انہوں نے پہنچائے اپنے رب کے پیغامات اور قابو میں رکھا جو کچھ ان کے پاس ہے और गिन ली है हर चीज़ की गिनती यानी आप ये ना समझें कि पैगंबरों को रिसालत हवाले करके अल्लाह ताला बिल्कुल बेफ़िक्र गए बल्कि निगरानी और हिफाज़त और मुसलसल उसके बारे में जो मालूम हैं वो सब अल्लाह के दायरे क़ुदरत में रहीं और हैं और रहेंगी तो ये ऐसी आयत हैं जो बहुत सी जो ग़लत चीज़ें हमारे माशरे में या बास गलत नज़रियात रखने वालों में चलाई गई हैं चलाई जाती हैं उन सब की नफ़ी हो जाती कोई भी आदमी ग़ौर से इन आयतों को पढ़ेगा तो उसका सीना ईमान से मुनवर हो जाएगा और हिदायत से भर जाएगा और सही अकीदे उसके दिल के अंदर पैदा हो जाएंगे और इसी के ज़मन में जो हज़रत अलिया अल्लाह हैं अल्लाह ताला, ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनर फरमाए उनके फ्यूज़ को आम फरमाए उनकी भी हैसियत और मर्तबे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये जब पैगम्बर अलसलात सलाम खुद ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी अच्छाई बुराई का मालिक नहीं हूँ तो जो आपसे नस्बत करने वाले आपके गुलाम हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर आपके दीन की नशर वशात का काम किया ये कैसे समझा जा सकता है कि वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर और अपनी तरफ़ से और अपने ज़ाती सोर्स इस्तेमाल करके किसी की बिगड़ी बना दें या किसी की बनी बिगाड़ दें यह तस्वुर सही नहीं है इसी तरह ये बात भी मालूम हुई कि नबी सलाम की शान आली के अंदर भी कोई ऐसी बात उनकी सिफात में बयान करना जो अल्लाह तबारक व ताली के लिए मखसूस हो यह कोई मोहब्बत नहीं है मोहब्बत यह है कि रसूल को रसूल के दर्जे में रखें और पैगम्बर और अल्लाह को अल्लाह के दर्जे में रखा जाए दोनों को एक दर्जे में कर देना या एक तरह की सिफात दोनों के लिए करना यह गुलू है और इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं अल्लाह ताला सब को दीन पर इस्तामत अ फ़रमाए हक पर क़दम फरमाए सच्चे दीन पर ज़िंदगी उसी पर मौत अता फ़रमाए وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين